आप यहाँ क्या कर रही हैं? माने के घर आपकी इनायत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे बेडरूम तक आ जाए। इस तरह बात मत करो मुझसे। क्यों क्यों ना करूं बात? मेरा ख्याल है कि मेरा और आपका वैसा कोई ताल्लुक नहीं बचा कि मैं आपकी मर्जी से बात करूं। ताल्लुक इतनी आसानी से खत्म नहीं होते शान। बिल्कुल गलत कह रही हैं। जो ताल्लुक मफाद और गर्ज की बुनियाद पर खड़े होना, वो इन मफाद और गर्ज से खत्म होने वैसे ही खत्म हो जाते हैं। मेरा तुमसे ऐसा कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं सच्चे दिल से बस कर देना प्लीज, बस कर दें खुदा का वास्ता। ना दे मेरे सामने दुआइयां। मैं डैड की तरफ से तुम्हें सॉरी कहने आई हूं। उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मैंने बता दिया उन्हें कि हमारे दिल में ऐसा कुछ नहीं। क्यों झूठ बोल रही हैं आप? अपने आप से भी और अपने डैड से भी? सच है शानी, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। लेकिन आपके दिल में क्या है, आपके पेरेंट्स अच्छी तरह जानते हैं। मेरे दिल में जो भी है उसके जिम्मेदार या कसूरवार तुम नहीं हो। मैंने समझाया है अपने दिल को कि हम दोस्त हैं और हमारे दरमियान इससे बढ़कर कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मत धोखा दें अपने आप को, और अगर आपने धोखा देने की कोशिश की भी ना खुद को, तो मैं नहीं देने दूंगा इस बार। इसलिए कि आई एम नोवेयर इन योर लाइफ एनीमोर। और प्लीज अब की बार कोई इल्तिजा मत दीजिएगा, इसलिए कि मैं अब मानने वाला नहीं हूं। बार फिर सोच लो, तुम्हें कोई मजबूर नहीं करेगा शादी के लिए, मैं भी नहीं। अगर खुद को इतना मजबूत समझती है ना आप, मैम, तो किसी ताल्लुक को रखने के लिए अपने आप को मजबूर भी ना करें। प्लीज आइए यहां से। मैंने कहा ना प्लीज जाइए यहां से, खुदा हाफिज। ऑफिस में छोड़ाए थे तो ये फोन ही नहीं, आपकी दी हुई जॉब, आपका स्टेटस और ये गाड़ी, सब कुछ छोड़ आए होंगे। और ये घर भी खाली करने वाला हूं, बात हो गई है मेरी। और कुछ? इतना अजनबी मत करो मुझे, मैं तुम्हारे ये रवैया नहीं सह पाऊंगी। अभी तो बड़े दावे कर रही थी आप, इतनी कमजोर निकली। दिल के हाथों मारे तेरे दर पे आए, तेरे लिए अपनी दुनिया पीछे छोड़ जाए। ऐसा नहीं था पहले जो आज हो गया है, इश्क है तेरा सर पे या कोई दुआ है। इश्क आशिक की दवा, गम हो चाहे या सजा।
प्यार के काबिल।